सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश के साथ कुछ इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जाहिर किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी कमजोर है, जिसकी वजह से हल्की बारिश होगी। राज्य में अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो वही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। राजस्थान में बीते दिन हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 5 और 6 मार्च को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। यही नहीं, मौसम विभाग ने मार्च के महीने में गर्मी की लहर चलने की संभावना भी जताई है। वहीं आज राज्य के जिलों में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। बिहार की बात की जाए तो देश में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। बुधवार को 30.2 डिग्री के साथ सीतामढ़ी प्रवेश का सबसे गर्म स्थान रहा। अब दिन में बढ़ती धूप लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। अभी अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही शुष्क बना रह सकता है। ज्यादातर जिलों में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अभी बारिश के बादल नहीं छटे हैं। आईएमडी के मुताबिक पंजाब में आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना बन रही है। इसके बाद 2 दिनों के लिए मौसम साफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसकी वजह से 6 से 8 मार्च के दौरान फिर से बादल छाए रह सकते हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। आज पंजाब में अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आईएमडी के मुताबिक आज भी जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 6 और 7 मार्च को बारिश हो सकती है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है, सर्दी अभी भी महसूस की जा रही है। वहीं श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा और अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 5 और न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और इसके साथ ही बारिश के साथ कई इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशंका है और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते दिन बर्फबारी और बारिश के चलते कई न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आज भी अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मौसम ठंडा बना रह सकता है। राज्य के जिलों में अधिकतम तापमान 11 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रह सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।